नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही खास है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस टाइल्स में कैसे ये पेंट झड़ रहा है, जो कि ग्लोसी जो इसकी लेयर होती है कैसे झड़ रही है। तो शुरुआत में तो ये ऐसी नहीं थी, पर लेकिन अब ये झड़ना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं, ये जो सस्ते भाव में हमें टाइल्स मिलती हैं, इनका यह हाल होता है। तो पहले इसके जॉइंट जो थे वो बिल्कुल साफ थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ये कोनों से झड़ना शुरू हो गए। और ऐसे ही आप फ्लोर का भी देख सकते हैं कि फ्लोर का रंग कैसे उड़ा हुआ है टाइल्स का। कहीं से ये डल है और कहीं से लाइट दिखाई दे रहा है। तो इसको आज हम उखाड़ने वाले हैं, इस फ्लोर वाली टाइल्स को, क्योंकि ये फ्लोर टाइल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। तो हमने इसको उखाड़ने का ठेका लिया है। इसको पूरा उखाड़ेंगे इस फ्लोर को, और पूरा इसको चेंज करेंगे, दूसरी टाइल्स हम लोग इस पे लगाएंगे। तो इस प्रकार का काम जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि साइड वाली जो टाइल होती है वॉल टाइल्स, तो बहुत ही बचाकर उसको जो है हमें ये फ्लोर टाइल्स नीचे से निकालनी होती है। और ये हमें इसका पूरा लेयर निकालना होता है, क्योंकि टाइल जो है वो बहुत ही मजबूती से लगी होती है, फ्लोर टाइल बाथरूम के, क्योंकि इसमें पानी चलने की वजह से टाइल्स पूरा जो है मजबूती से लगी होती है। इसकी तराई जो है वो गीला होने से होती रहती है। तो अगर कमरे की टाइल्स वगैरह उखाड़नी हो तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं टेसी से टाइल्स के कोने पर जो है वो टेसी मार रहा हूँ, कोना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोना टूट नहीं रहा है। बहुत ही मजबूती से ये टाइल्स लगी हुई है। कारीगर ने तो बहुत अच्छा काम किया है। बस ये है कि टाइल्स अगर अच्छी बढ़िया कंपनी की होती तो ऐसी दिक्कत ना आती। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे मैं टेसी से पूरी ताकत लगा रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए, तो ये कोना ही टूट रहा है अकेला। तो फ्रेंड्स, कभी भी टाइल्स लगवाएं, या टाइल्स आप अपने घर में लगवाएं या लगाएं, तो बढ़िया कंपनी की ही लगाएं। नहीं तो आप देख सकते हैं कि लेबर का कोई फ़ायदा नहीं है, लेबर भरने का मतलब, अगर टाइल्स ही बाद में ख़राब हो गई तो लेबर तो आपकी वेस्ट ही जाएगी। सस्ते भाव की टाइल्स का कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। तो टाइल्स जो है वो बढ़िया कंपनी की ही लगवाएं, ताकि जो आप एक्स्ट्रा लेबर जैसे खर्च रहे हैं उसको लगवाने की, वो आपकी जो है वो बची रहे। नहीं तो इसमें क्या है, अभी हमको दोबारा से उखाड़ना पड़ रहा है, तो क्या है कि पहले टाइल लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही इसका रंग जो है वो डल होने लग जाता है। अभी मैं चेक कर रहा था कि टाइल्स के कोने जो हैं वो कहीं खाली तो नहीं है, लेकिन कारीगर ने पूरा भर के इसको लगाया है। तो ये काम पहले किसी कारीगर ने किया था, तो बहुत ही अच्छा काम किया था ये। पर थोड़ी बहुत इसमें अगर दिक्कत होगी तो अभी टाइल्स उखाड़ते वक्त पता चल जाएगा। तो टाइल्स उखाड़ने वाला काम दोस्तों बहुत ही मेहनत का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, छेने हथौड़े से कितनी मुश्किल से ये हम लोग प्लास्टर जो है नीचे का निकाल रहे हैं। और अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये टाइल्स जो है फ्लोर टाइल्स लगी है। तो इसमें नीचे का भी आपको दिखाऊंगा कि टाइल्स जब हम लगा रहे होते हैं तो उस वक्त क्या क्या दिक्कत आती है, जो टाइल्स साउंड करती है वो किस वजह से करती है। अभी हमने एक तरफ से शुरू किया हुआ है इसको उखाड़ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जहाँ भी आप टाइल्स लगाने जाते हो तो उनको ज़रूर बताना इस बारे में। जो सस्ती टाइल्स होती है उसमें कारीगर को तो लगाने में दिक्कत होती ही होती है, पर उसकी लाइफ कोई ज़्यादा नहीं होती है। उसका पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है और फ्लोर जो है, जैसे आप देख रहे हैं, पूरा डल हो चुका है। और अभी ये छोटा सा काम था, तकरीबन 48 फुट, तो इसको हमने पूरा उखाड़ के लगाने के हमने 3000 रुपये लिए हैं।
क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अभी आप जैसा कि देख रही हैं, मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स में ये वीडियो बनाई है। ये पूरा सारा दिन में ये 48 फुट फ्लोर जो है हमने तोड़ा था। तो अभी आप देख रहे हैं जैसा कि ये टाइल्स हमें पहले निकालनी पड़ती है, क्योंकि इसकी परत जो होती है, लेयर जो होती है, पूरा कांच की तरह होती है। तो बहुत ही ध्यान से हमें ये काम करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि टाइल्स हमने उखाड़ी है और आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नीचे से कैसे कई कई जगह से टाइल जो है वो खाली थी। तो उसका भरने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, या आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि ये बुलबुले वगैरह जो टाइल्स में बबल्स रह जाते हैं अंदर, उसको कैसे लगाया जाए ताकि ये खाली बीच में से ना रहे। तो लेकिन ये फ्लोर टाइल्स में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको पूरा यूज़ किया है तो कोई इसमें परेशानी नहीं आती है। थोड़ी बहुत अगर बुलबुले रह भी गई हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अभी आप दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, हमने ये वाली टाइल्स तो यहाँ से निकाल लिया, लेकिन जो अभी दोस्तों आप देखिए कि कहाँ कहाँ से जो है फ्लोर टाइल्स जो थी उसने पकड़ा था नीचे से, और कहाँ कहाँ से जो है वो खाली है, बीच में से जैसे हवा रह जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये साइड में जैसे पूरा किनारा खाली है, पूरा जो नीरा सीमेंट है वो टच नहीं हुआ था इससे। तो इसे लगाने के लिए अगर ये बबल्स वगैरह ना रहे तो हमें खांचे थोड़े से डालने पड़ते हैं प्लास्टर में। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये नीचे वाला एरिया हम लोग जो ये उखाड़ रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल काम था ये। छेनी हथौड़े से तो हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि छेनी हथौड़े से जो ऊपर शिंक लगा है उसके ऊपर हथौड़ा लग सकता था। तो हमने ये बड़ा जो हैमर होता है, बड़ा हथौड़ा जो है, और ये सब्बल जिसे बोलते हैं, बड़ी वाली छेनी, उसके साथ हम लोग ये उखाड़ रहे हैं। क्योंकि ये पूरी जो 2.5-3 इंच की लेयर है जो प्लास्टर की, तो बहुत ही मुश्किल है इसको उखाड़ पाना, इसीलिए हमने बड़े हथौड़े से काम लिया है, क्योंकि हमें जो है ये एक्सेसरी को भी बचाना है। तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग ऊपर से छेनी हथौड़ा चला सकें, तो इसीलिए हमने ये बड़े हथौड़े से काम लिया है। तो काम तो बहुत ही मेहनत वाला है ये, अभी हम लोग कर रहे हैं ये। इसकी ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आई है दोस्तों, कि ये जो टाइल्स हमें उखाड़ने में ज़्यादा टाइम जो हमें लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि साइड वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं वॉल टाइल्स की, उसको हमें बचाना है ताकि वो टूटे ना। अगर वो टूट गई तो वैसी टाइल्स तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी दिनों पहले लगी हुई है। तो इसलिए अगर ये टाइल्स होती साइड वाली, अगर एक लाइन भी होती, एक लाइन लगाने के लिए भी होती, तो फ्लोर जो है वो उखाड़ना कोई ज़्यादा सा मुश्किल ना होता। तो अभी आप जैसा कि दोस्तों देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये पूरे दिन में हमने यही उखाड़ने का ही काम किया है। पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है ताकि ये शेंक के साथ ना टकरा जाए। तो ये काम जो है हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं। ये लेंटर के ऊपर बना हुआ है बाथरूम, छत के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने
काफ़ी सारा फ्लोर जो है उखाड़ दिया। अभी शीट के नीचे का बाकी है, ये वॉल में लगी हुई शीट है। इसके नीचे का तो हम लोग चैनी हथौड़े से नॉर्मली निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए भी हम लोग जो है बड़ा हथौड़ा और बड़ी चैनी से ही इसको हमने उखाड़ा है। तो उखाड़ने का तकरीबन हमारा काफ़ी सारा काम निपट चुका है, बीच में बारीकी रह गई है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और इस तरह की टाइल्स हो सके तो ना ही लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।